दुसा मुनि दुर्वासा जी से पूछते हैं, इसको कहां लेकर जाऊं, मेरी पत्नी को कहां ले जाऊं, ये दरिद्रता जाए तो जाए कहां, इस दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं, कहां रखूं इसको। इतने में दुर्वासा जी ने कहा, सुन दुसा मुनि, अपनी पत्नी दरिद्रता को अगर कहीं लेकर जाना है तो जो नारी जो स्त्री शाम के समय पर चोटी करती हो, झाड़ू लगाती हो, या जो स्त्री दोपहर में सोती हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेके प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर ले। प्रवेश दरिद्र। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण, तुमने अपने मन की बात कह दी कि सात दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एक दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी। और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, रविवार। और जिसके यहाँ दीवाल पे पीपल लग जाता है या कहीं पीपल का पेड़ लग गया अपने दीवाल पर घर में कहीं पर भी, तो पीपल निकालने का भी नियम है। अगर आप दीवाल में से पीपल निकालोगे तो बार बार काटोगे, बार बार लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा, फिर निकालोगे फिर लग जाएगा, दीवाल में पीपल लगता ही रहता है। अगर दीवाल के पीपल को निकालना है तो नींबू और मिर्ची इन दोनों को 3 घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए, उसके बाद कभी दीवार में पीपल नहीं लगेगा।